तो लेक्चर 2 तक बताए थे आप लोगों, लेक्चर 2। तो आज लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। पहले बताए थे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो पहले हम लोग मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़े थे पूरा डिटेल। मोनोसैकेराइड के अंदर कौन कौन आता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज के बारे में जानेंगे, तब फिर हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड होने के बाद तब पढ़ेंगे हम लोग क्या, पॉलीसैकेराइड, जिसमें स्टार्च, सेलुलोज, है ना, ग्लाइकोजन, ये सब आता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या, मोनोसैकेराइड। बताया था कल मोनोसैकेराइड क्या होता है, जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, वाटर से रिएक्ट नहीं करता। तो हमको पढ़ना क्या है, ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या होता है इसको समझिए। पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जानते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसका, इट्स, इसका इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सबको पता होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये बनता कैसे, ठीक है। पहले तो इसका प्रिपरेशन जानेंगे। प्रिपरेशन 2 तरह से होता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो पहला पढ़ेंगे फ्रॉम सुक्रोज। ये सुक्रोज तो क्या होता है, देखो जब समझेगा बढ़े से, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। तो दो तरह से प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनाने का। पहला क्या होता है, फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज को व्हेन, जब सुक्रोज को व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड, जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मतलब HCl या कोई भी, HCl हो, H2SO4 हो या HNO3 हो, एसिडिक मीडियम का मतलब होता है एसिड, है ना। व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज मतलब वाटर से रिएक्ट कर रहा है, नहीं, प्रेजेंस of acidic medium, in presence of acidic medium, then glucose is formed, then glucose is formed, तब क्या बनता है, कैसे बनता है, तो देखो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज मतलब वाटर से रिएक्ट करा, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम, एसिडिक एच प्लस देंगे, इसका मतलब समझना है एसिडिक मीडियम। ये सारा कैटलिस्ट हम लोग ऑर्गेनिक जब पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन वाले, तो उसमें बताएंगे ये सब क्या होता है। अभी याद रखो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक मीडियम, है ना, एच प्लस देता है। तो सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करेंगे एक पार्ट बनेगा ग्लूकोज और एक पार्ट क्या बनेगा हमको, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक पार्ट ग्लूकोज, दूसरा पार्ट फ्रुक्टोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, C12H22O11, H2O हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H प्लस, ये क्या बनेगा, एक मोल ग्लूकोज C6H12O6 और एक मोल आपका फ्रुक्टोज C6H12O6। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। इस तरह से ग्लूकोज बना, पहला हो गया आपका सुक्रोज से। अब बताएंगे स्टार्च से कैसे बनाते हैं, इसको नोट कीजिए। एक बार फिर से देखो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सवाल में जानते हुए, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6। प्रिपरेशन इसको ग्लूकोज को दो तरह से करते हैं, और भी तरीका होता है लेकिन दो तरीका भी बता दें। फ्रॉम सुक्रोज, जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं किसके प्रेजेंस में, है ना, ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, देन ग्लूकोज इज फॉर्म, है कि नहीं। तो ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ाएंगे तो बताएंगे एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, हेलो एल्केन हेलो एल्केन पहला चैप्टर है, तो तुम बताएंगे। अभी यहां पे इसको देखो, सुक्रोज में जब हाइड्रोलाइज करेंगे किससे रिएक्ट करवाएंगे, एच प्लस से, एच प्लस में एसिडिक मीडियम हो गया, तब आपका एक पार्ट ग्लूकोज बनता दूसरा, है ना, ये सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया, ये ग्लूकोज का हो गया, फ्रुक्टोज का, ठीक है। तो अब हम दूसरा तक पढ़ेंगे फ्रॉम स्टार्च, इतना प्रिपरेशन है फ्रॉम स्टार्च,
स्टार्ट से कैसे प्रिपरेशन करते हैं इसको देखिए। फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से कैसे ग्लूकोज को प्रिपरेशन करते हैं इसको देखिए। फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से कैसे करते हैं इसको, फ्रॉम स्टार्ट या इसको सेलुलोज भी कहते हैं, स्टार्च या सेलुलोज बी दोनों का ही फॉर्मूला होता है। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5N, ठीक है समझा। और जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो ये C6N1 याद रखेगा, C6H10O5 बनता है, ध्यान देगा। ये आपका स्टार्च है, ये क्या है स्टार्च, स्टार्च को जब हाइड्रोलाइज करते हैं क्या करते हैं, वही लैंग्वेज है, इसके प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम H+ को क्या बनाएंगे, एसिडिक मीडियम। फिर समझिए, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे, स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक मीडियम, है ना, तो ये हमको ग्लूकोज मिलेगा C6H12O6, है ना, एन मोल हमको क्या मिल जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हो, जब स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे इसके प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, हमको कितना मोल ग्लूकोज मिलेगा, एम, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रॉम स्टार्च से प्रिपरेशन। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको जानते हैं। पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए सीख लेंगे, दो तरह का ग्लूकोज होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे इसका प्रॉपर्टीज पर, है ना, प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन पूछता है। स्टार्च स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखो, आपको इस तरह से खींचने आएगा नहीं, तो ऊपर में क्या लिखना है CHO, ठीक है, और नीचे में लिखेगा CH2OH, है इतना लिख देगा, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो ऊपर में CHO, नीचे में CH2OH, है ना। तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, देखो यहां पे देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे OH से, यहां OH है इधर, अब इसके जस्ट नीचे में सेम वैसे बना दो, इधर OH सेम चीज उतार दो नीचे में, जो पार्ट हम लोग ऊपर में उतारे हैं, ऊपर में क्या है OHH, नीचे में OHH, कोई दिक्कत। अब क्या कर देना है, अपोजिट कर दो, अपोजिट मतलब कि यहां पर OH है, यहां पर क्या कर देगा H, यहां पर H है तो क्या कर देंगे, फिर अपोजिट कर दो, H है तो क्या करेंगे OH, यहां पर OH है तो क्या होगा H, यही स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का, ठीक है, यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कैरल कार्बन निकालने के लिए बताते हैं, कैरल कार्बन क्या होता है समझिए, ये सब हम पढ़ेंगे आपको जीओसी वाला क्लास में पढ़ेंगे, जीओसी संडे संडे पर बताएंगे सर कैरल कार्बन का। ये तो कैरल कार्बन होता है, कैरल कार्बन के लिए याद रखिएगा कंडीशन, कैरल कार्बन मतलब कार्बन हो गया, कैरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन, समझेगा ऐसा कार्बन पहला कंडीशन याद रखिएगा, ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ठीक है, जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, मतलब ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, और जिस पर अलग अलग ग्रुप, जिस पर हिंदी में लिख देते हैं, जिस पर अलग अलग ग्रुप हो, ध्यान देगा अच्छे से। कैरल कार्बन क्या होता है ना, कैरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और जिस पर अलग अलग ग्रुप डिफरेंट सेम ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, sp3, आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए सारा सारा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। देखो पहला, देखो हम चेक करते हैं है कि नहीं, तो पहला चेक करते हैं कि ये कैरल कार्बन है कि नहीं, पहला चेक करेंगे, यहां देखो ये जो कार्बन है, ध्यान देगा, पहला
दूसरा तीसरा चौथा सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, ऐसा नहीं मिल पा रहा होता है ना। यहाँ जो कार्बन है सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। और सब पर अलग अलग ग्रुप है HOHCHO अलग अलग है, एक कैरल कार्बन यहाँ हो गया, कैरल कार्बन को सी स्टार्स दिखाते हैं, कैरल कार्बन किसे डिनोट करते हैं सी स्टार्स, एक कैरल कार्बन हुआ वहां। यहाँ भी वही बात है, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, नहीं देखो एक दो तीन चार सिंगल बॉन्ड चेक करना, क्या चेक करना है डबल बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, वहां पर कैरल कार्बन नहीं होगा, कैरल कार्बन होने के लिए आपको सिंगल बॉन्ड चेक करना, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, अरे है ना सिंगल बॉन्ड एक दो तीन चार, दो कैरल कार्बन यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, तीन कैरल कार्बन यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। अब ये और ये में क्यों नहीं होगा, अब सी एच ओ में क्यों नहीं होगा इसको समझ लीजिए, सी एच ओ में कैरल कार्बन क्यों नहीं होगा, देखो सी एच ओ में यदि इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं किस तरह से होता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है सी एच ओ का, सी एच ओ में क्या आ गया आपको डबल बॉन्ड, यहाँ देखो डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, क्या होना चाहिए सिंगल बॉन्ड, तो इसीलिए इसमें कैरल कार्बन है ना, वैसे भी एक डबल बॉन्ड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, लेकिन हम जानते हैं कि कैरल कार्बन होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, यहां गया sp2 इसका कैरल कार्बन। दूसरा तरीका है सिंगल बॉन्ड चेक करो, इसमें डबल बॉन्ड आ गया इसीलिए कैरल कार्बन, चलिए हम नीचे वाला को चेक करते हैं CH2OH का, इसका चेक करते हैं यहां भी कैरल कार्बन क्यों नहीं होगा इसको देखो, जब आप CH2OH का स्ट्रक्चर बनाओगे CH2OH इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको क्या हो गया बताओ, एक OH इधर और दो हाइड्रोजन, नहीं आप इसमें चेक करो कि CH2OH है तो इसमें दो दो कार्बन दो दो हाइड्रोजन सेम है कि नहीं है, नहीं है सेम ग्रुप आ गया ना, क्या बोले थे यहाँ पर दूसरा नंबर पे क्या है जिस पर अलग अलग ग्रुप, इसको पढ़ो जिस पर अलग अलग ग्रुप, यहाँ पर क्या हो गया सेम ग्रुप आ गया ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, इसीलिए जो है यहाँ भी कैरल कार्बन, कैरल कार्बन होने के लिए कार्बन पर आपको अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, अलग अलग ग्रुप, यहाँ तो सेम ग्रुप आ गया है ना, इसीलिए यहाँ भी आपका कैरल कार्बन नहीं होगा, यहाँ भी कैरल कार्बन नहीं होगा। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ग्लूकोज में कितना कैरल कार्बन होता है, कितना होता है चार है ना, तो कैरल कार्बन इन ग्लूकोज, कैरल कार्बन, कैरल कार्बन को सी स्टार से दिखाते हैं, कैरल कार्बन इन ग्लूकोज, कैरल कार्बन इन ग्लूकोज, ठीक है कैरल कार्बन इन ग्लूकोज सी स्टार इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में कैरल कार्बन कितना होता है इसको नोट कर लेगा अच्छा से है कि नहीं, इससे पढ़ देख लो बढ़िया से, स्टार्च से सुनने कोई दिक्कत है नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज समझ में आ गया है कि नहीं, कैरल कार्बन को बचाने के कितना तरीका है दो, एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जिस पर अलग अलग ग्रुप, तो कैरल कार्बन ग्लूकोज में कितना होता है चार है कि नहीं, स्ट्रक्चर बनाने में बता दे एक ऊपर में CH लगना है CH2OH के लिए नीचे रखना है दो बार OH देखो एक ऊपर उसके बाद आपको है ना उतार उसको और नहीं आएंगे। हाँ तो टाइप्स ऑफ ग्लूकोज में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज यहाँ पर दो प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ध्यान देना ग्लूकोज दो प्रकार का, एक होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दूसरा होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ध्यान देगा बढ़िया से, एक आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज दूसरा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, समझिएगा जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज आपको दो प्रकार का होता है, ध्यान देगा अच्छे से, ग्लूकोज दो प्रकार का, पहला होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, दोनों को समझेगा ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है, दोनों का स्ट्रक्चर जानते हैं ठीक है, ये कैसे बनता है, दोनों बनता है ग्लूकोज से, तो पहले हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो सी डबल बॉन्ड एच, ठीक है सी डबल बॉन्ड एच
एलिहाइड है, यहाँ सी एच ओ होता है, और आपको बताया थे ऊपर में सी एच ओ नीचे में सी एच टू ओ एच, और दो बार क्या लिखना है यहाँ पर ओ एच एच, फिर नीचे में ओ एच एच, और उसके बाद अपोजिट कर दो ओ एच है तो यहाँ क्या लिखेगा एच एच है तो ओ एच, फिर एच है तो अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर क्या है, यहाँ ये तरह समझ नहीं बना, देखो कैसे बनाते हैं अल्फा टी प्लस टू, यहाँ पे देखिएगा ये वाला चीज देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसका मूड़ी काट के एक बीच में जोड़ देना है, ठीक है, क्या करना है मूड़ी काट के बीच में जोड़ देना, और ये जो ओ एस देख रहे आप, ये ओ एस देख रहे हैं ना सबसे लास्ट वाला ओ एच, इसको क्या करना है यहाँ पे दे देना, यही आपका बन जाएगा अल्फा टी प्लस ग्लूकोज, फिर सब ये जो ऑक्सीजन है इसको मूड़ी काट के कहाँ रख देना है बीच में, है ना, और यहाँ वाला ओ एच को उठा के यहाँ पे रख देना है, फिर सुनिए सुनिए, ये जो ऑक्सीजन है इसको बीच में रख देना है, इस ओ एच को यहाँ पे रख देना है, यही बन जाएगा आपका अल्फा टी प्लस ग्लूकोज, इसको म्यूटा रिप्रेशन कर, है ना, ये ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, आइसोमेरिक पढ़ाएंगे और भी, चलो इसको हम एक बार बढ़िया से देखते हैं, ये इस तरह से आपका हो जाएगा, इस ऑक्सीजन को रख दिए बीच में और यहां से यहां तक देखो, देखिएगा अच्छा से, इसके बाद देखिएगा CH2OH, नहीं तो आपको यहां से ध्यान देना अच्छा से, यहां से ये हो जाएगा OH और ये जो OH है यहां पे जुड़ जाएगा इस कार्बन के पास, क्या किया समझ में आ रहा, इस ऑक्सीजन को बीच में रख दिए पहले बता दिया आपको, और ये जो OH है यहां पे जोड़ दिया, है ना, इस OH को यहां पे जोड़ दिया और इस ऑक्सीजन को बीच में ला दिया, है ना, और उसके बाद आप अब इतना ही कर रहे हैं, फिर समझिए ये ऑक्सीजन को बीच में दे देंगे और यहाँ वाला ओ एच को यहाँ रख देंगे और सारा को जैसे के वैसे उतार, ठीक है, जैसे जैसे कैसे है बोलो, पहले यहाँ पर एच है यहाँ एच दे देंगे, सारा को उतार दो, उसके बाद नीचे में क्या ओ एच एच सबको उतार देंगे, कुछ करना नहीं, फिर नीचे में क्या एच ओ एच और फिर इसके नीचे में ओ एच, यहाँ पे एच तो था ना पहले से, यही हो गया, इसका नाम हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, क्या नाम है इसका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, क्या नाम है इसका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है अल्फा डी प्लस, है ना, फिर समझिए कैसे बनता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, रिडक्शन होता है, न्यूट्रल रिडक्शन होता है इसके अंदर, जब पानी में हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर में तो इस तरह से घूम जाता है, तो वाटर में टूटता है, रिएक्शन तो करता नहीं है, रोटेट कर जाता है 25 डिग्री से, कितना से 25 डिग्री से, तो ये आपको जो है एक पार्ट घूमता है तो क्या बनता है अल्फा डी प्लस, अब इसके बाद देखो दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट में कुछ नहीं करना है, ये जो आपका ओ एच है यहाँ पर क्या देगा सर, ये जो ओ एच है ये चल जाएगा हाइड्रोजन के साइड, ठीक है ना, बस इतना ही अंतर है, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा ओ एच के साइड, क्योंकि ये अल्फा डी प्लस और बीटा डी प्लस ग्लूकोज का रोटेशन होता है ना, ये रोटेट करता है, इसके कारण जो है अल्फा डी प्लस और बीटा डी प्लस बनता है, पहला पार्ट होगी अल्फा डी प्लस, दूसरा यही ओ एच को इधर कर देगा एच को इधर कर देगा, वही हो जाएगा आपका डी प्लस ग्लूकोज, अब इसका स्ट्रक्चर देखो सेम स्ट्रक्चर है, कुछ करना नहीं है आपको, जैसा है वैसे ही बन, जैसे है वैसे ही बनाना है, देखिए अब देखो यहां पर जो है कार्बन है, ठीक ना, अब इसके बाद यहां पर ऑक्सीजन, इधर हो गया एच, ठीक है, और नीचे में क्या है आपका सी एच टू, सारा चीज एच और ओ एच खाली उल्टा देना है, ये जो एच है यहां पर कर देंगे ओ एच इधर कर देंगे और सारा चीज जैसे है पहले वैसे उतार, ओ एच एच जान ले दी, तो OH इधर खाली करना क्या है इसको उल्टा देना, OH को इधर H को इधर, है ना, सारा का सारा सबसे में रहेगा OH H H OH OH, ठीक है,
फिर याद करो है ना, ओ एच एच है कि नहीं, कार्बन कौन लिख कर, एक दो तीन चार पांच छह, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कर रही है आप, इसी का नाम हो गया आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अभी दोनों में कभी कभी कायरल कार्बन की संख्या कौन देता है कि अल्फा डी प्लस में कितना ग्लूकोज होगा, सॉरी कायरल कार्बन होगा, बीटा डी प्लस में कितना कायरल कार्बन, आप देख ही रहे, कोई दिक्कत इसमें है। करना क्या है, सारा बता दिया, ऑक्सीजन कार्ड के बीच में रख देना, ओएच को यहाँ रख देना, नहीं अब यहाँ देखो बीटा क्या करना है, ये ओएच को इधर कर देना, एच को इधर कर देना, देखो और सारा चीज सेम है, कहीं कुछ किए नहीं, आ जाएगा स्ट्रक्चर बनाने, अब प्रैक्टिस करोगे अपने आ जाएगा है। अब इसमें कैरल कार्बन सेलेक्ट करते हैं, कैरल कार्बन को पता है जहां का सिंगल बॉन्ड होगा, एक कैरल कार्बन यहाँ होगा, एक कैरल कार्बन यहाँ होगा, नहीं सिंगल बॉन्ड चेक करना है, यहाँ कैरल कार्बन होगा, यहाँ पर होगा क्या, कितना कैरल कार्बन हो गया पांच, याद रखिए अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में कितना कैरल कार्बन होगा, सी एच स्टार हो गया पांच, किसमें अल्फा डी में, इसके लिए चेक करो तो इसमें भी वही होगा, नहीं पहला कैरल कार्बन कार्बन, दूसरा नहीं, तीसरा चौथा और पांचवा, यहाँ तो होगा नहीं, पहले बता दिए, तो कितना होगा कैरल कार्बन बताओ, यहाँ भी क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा, सी एच स्टार कितना हो जाएगा है ना, तो आप सारे को नोट करो। ये सारा स्ट्रक्चर है, किसी को दिक्कत होगा तो वीडियो का पीछे करके दोबारा देख लेना, बढ़िया से है नहीं आसान है, पहले पीएच स्ट्रक्चर आना चाहिए है ना, उसके बाद क्या करेंगे ऑक्सीजन को यहाँ पे बीच में रख देंगे और एओएच को उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक है, ये बन जाएगा आपका अल्फा डी प्लस, उसके बाद ये क्या करना, ओएच को इधर कर देना, एच को उधर कर देना, बीटा डी बन जाएगा, कारण क्या निकालेंगे बताएंगे है ना, उसके बाद आप कर पड़ेगा।